नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर अभी तक हम आपको टॉपिक वाइज साइंस के पोर्शन करा रहे थे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ करा चुके। लास्ट में बायोलॉजी का पोर्शन देखा था, साइड में ऑप्शन वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। सभी बीपीएससी के जितने भी अलग अलग पेपर होते हैं उन सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भौतिक राशियां, मात्रक, मापन, यहां से आप देखेंगे एक नए क्वेश्चन आपके बीपीएससी के टीआरई में आता ही है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 का ही पेपर उठा करके देख लें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? थिपो टैक्सिस, थर्मो थर्मोक्सिस, या फिर थिग्मोट्रोपिज्म, या फिर थिम्पोनेस्टी। आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसको कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्पर्शानुवर्तन, आसपास को छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, या कौन सा होगा? आंसर बात करते हैं तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ये आपका केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार होता है। केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल काम करता है, जिसकी जो दिशा होती है वो सदैव केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम कहते हैं केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन आपका है यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा में धूल के कणों को नापने के लिए, मोटर वाहनों की रफ्तार ज्ञात करने के लिए, बरसात की मात्रा नापने के लिए, मनुष्य में नाड़ी स्पंदन ज्ञात करने के लिए। तो यूडोमीटर का यूज किया जाता है बरसात की मात्रा को मापने के लिए। यूडोमीटर को हम रेन गेज के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी स्थान पर होने वाली वर्षा को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -12, 14, 15 या 24? आंसर की बात करते हैं तो 10 की पावर -15 मीटर होता है एक फेम्टोमीटर, और एक फेम्टोमीटर में 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। बस इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। बैरोमीटर का प्रयोग इनमें से किसके मापन में होता है? हवा की दिशा, हवा की दशा, या फिर तापमान, या फिर वर्षा बारिश का पानी, या वायुमंडलीय दबाव? आंसर की बात करते हैं तो इन सभी ऑप्शन में से बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव के मापन में। और हवा की दिशा और गति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एनेमोमीटर का यूज किया जाता है। और तापमान मापन में थर्मामीटर तो सभी को पता है, वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी जिसे रेन गेज भी कहते हैं इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे यहाँ पर पूछा गया? विभवांतर वोल्टमीटर विभवांतर है, एमीटर विद्युत धारा है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल है, और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर जो सही नहीं है वो डी वाला है, गैल्वेनोमीटर जो लिखा है विद्युत प्रतिरोध। अब सभी जो सही है उनकी भी बात करते हैं, जैसे वोल्टमीटर जो है वो विभवांतर, एमीटर जो है विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, और विद्युत प्रतिरोध जो है वो ओम मीटर। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको एकदम रट लीजिएगा। आपने देखा था टीआरई 3 में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो एक बार इसको रट लीजिएगा ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत बिल्कुल भी ना करें। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई इनमें से जो है वो क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, कुलाम है, वॉट है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, आंसर इन सभी ऑप्शन में से वॉट जो देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। अच्छा, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट विद्युत विभव का, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई है, और कुलाम आवेश का मात्रक है। अगला है विद्युत विभवांतर की इकाई इनमें से क्या है? कुलाम है, वॉट है, वोल्ट है, ओम है। तो विद्युत विभवांतर की इकाई आपका वोल्ट होती है, और कुलाम जो है वो आवेश का मात्रक है, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, वॉट जो है वो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? सोना, रजत, तांबा, लोहा, कौन सा इनमें से सही होगा? तो विद्युत चालकता सबसे अधिक जो होती है वो आपकी रजत की होती है। रजत किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं। तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है और सबसे उच्च विद्युत प्रवाहशील धातु में चांदी, तांबा और सोना आपके जो है वो आते हैं। शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत प्रवाहशील के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की इकाई इनमें से क्या है? कुलाम, वोल्ट, वॉट या एम्पियर? आंसर की बात करें तो इनमें से आपका आंसर एम्पियर जो देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। बाकी ऑप्शन अगर बात करें तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कुलाम होती है। विद्युत विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत प्रतिरोध की क्या इकाई होती है? ओम होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। और ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। सब एक जैसे देखने में लगते हैं पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि इकाई किसकी क्या होती है। अगला प्रश्न है, ओम मात्रक है किसके मापन का? प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा, चालकता? आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। इसका संकेत ओम इस तरीके से दर्शाया जाता है। ओम उस परिपथ का प्रतिरोध है जिसमें 1 वोल्ट का विद्युत बल 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। अगला है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्टा मीटर, पोटेंशियोमीटर, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर अमीटर जो है वो सही हो जाएगा। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। पोटेंशियोमीटर जो है वो लघु प्रतिरोधों के मापन में यूज होता है और वोल्ट मीटर और अमीटर के कैलिब्रेशन में भी ये काम आता है। वोल्ट मीटर विद्युत धारा के विभव को मापने के लिए प्रयोग में जो है वो लाया जाता है। अगला है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई इनमें से क्या है? फेराडे है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर ओम जो है वो सही हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो आपकी ओम है। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वो गुण है जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं और आयनों से टकराते हैं जिससे प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण इनमें से क्या है? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप हो जाएगा, अति सूक्ष्म देखने के लिए यूज किया जाता है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम। उसके अलावा भी है, जैसे इलेक्ट्रोस्कोप की अगर बात करें तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण होता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने वाला यंत्र होता है। स्ट्रेबोस्कोप जो होता है वो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है आपसे पूछा गया है? राशियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, अदिश सदिश से। तो गति है, वेग है, बलागुण है, विस्थापन है, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर गति जो है वो सही हो जाएगा। सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बलागुण है, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग, ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? समय का है या फिर दूरी का है, चाल का है, बल का है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो आंसर यहाँ पर दूरी का हो जाएगा। बाकी एक प्रकाश वर्ष में जो वैल्यू होती है ना वो पता होना चाहिए, 9.46×10^15 मीटर या फिर 9.46×10^12 किलोमीटर के बराबर होती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संख्या अनुसार एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? सूर्य का जीवन काल, प्रकाश की तीव्रता, समय, दूरी, कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी, जो कि ऊपर बता चुके। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो दूरी से ही होता है। क्वेश्चन देख रहे हैं मल्टीपल टाइम, 9, 13, 18, 16, लग रहा है एक क्वेश्चन ही बड़ा बार 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 बार, बार रिपीट हुआ है। अगला, इनमें से कौन सा मूल भौतिक राशि है आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया? बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है, कौन सा सही होगा? तो मूल भौतिक राशियों में विद्युत धारा आपको देखने को मिलता है। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, उन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, वो कहलाती मूल भौतिक राशियां। और उपयुक्त विकल्प जो है इसमें विद्युत धारा आपकी मूल राशि है। मूल राशियां जो होती है ना उसी से ही आपकी व्युत्पन्न राशियां बाद में बनती हैं। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
अब यहां पर मूल राशि और मात्रक आप देख पाएंगे। लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, और पदार्थ की मात्रा का मोल है, विद्युत धारा का एम्पियर है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। कुछ मूल राशि और मात्रक में इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में कई बार इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है, तो नाम भी याद रखिएगा, मतलब मात्रक तो आपको याद ही रखने हैं। अगला है तापक्रम की एसआई इकाई इनमें से क्या है, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल। तो आंसर यहाँ पर आपका केल्विन जो है वो सही हो जाएगा। तापक्रम की एसआई इकाई केल्विन है, सेल्सियस ताप पैमाने का पैमाना है, और इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। सेल्सियस पैमाना 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फॉरेनहाइट भी तापमान मापने का एक पैमाना है, इसका न्यूनतम मान 32 डिग्री होता है और अधिकतम 212 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा 300 नहीं, केवल 32 डिग्री फॉरेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस टेम्परेचर पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर पानी उबलने लगता है। तो यही आपका पानी का क्वथनांक होता है, जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का, कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा जो भी चैनल पर नए हो, और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए लाइक का टारगेट रख रहे हैं, 300 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे हम आपको, बाकी जो भेज चुके हैं वो डाउनलोड करते रहिएगा टेलीग्राम से। बात करते हैं आंसर की। तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है आपका ऊर्जा का, और इसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन के लिए यूज में लाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6×10^6 जूल के बराबर होता है। अगला है फर्मी मात्रक किसका है, द्रव्यमान का, लंबाई का, वेग का, समय का, कौन सा सही होगा। तो फर्मी जो मात्रक होता है वो लंबाई का मात्रक होता है। मीटर प्रणाली में फर्मी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। 1 फर्मी 10^-15 मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू याद रखिएगा, कई बार वैल्यू पूछ ली जाती है। वैसे ज्यादातर जूनियर लेवल वाले जो है उनमें ज्यादातर वैल्यू पूछी जाती है, 6 से 8 के लेवल पर। अगला है आपका प्रश्न कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है, बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है, कौन सा सही होगा। तो अदिश राशि आंसर आपका दाब जो है वो सही होगा। अदिश राशि वो राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है किंतु दिशा जो है वो नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, दाब है, ये सभी। और जो ऊपर प्रश्न में दिए गए विकल्प है उसमें बल, वेग, त्वरण, ये सभी आपकी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राशि का मात्रक ही नहीं है, प्रतिबल, बल, विकृति या दाब। आपके पेपर में आपेक्षिक घनत्व करके पूछा गया था, जिसमें आंसर था कि मतलब कोई भी मात्रक नहीं है। यहां पर आंसर की बात करते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, विकृति का कोई मात्रक आपका नहीं होता है। अगला कह रहा है समुद्री जो दूरी है उसको मापा जाता है नॉटिकल मील में, किलोमीटर में, डेसिबल में, कड़ियों में। तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है, और नॉटिकल मील समुद्री इकाई की इकाई है जो नौसंचालक के द्वारा नौसंचालन में प्रयोग में लाई जाती है। वैल्यू याद रखिएगा कि 1 नॉटिकल मील जो है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10^-8 या -7 या -9 या -10। आंसर आपका 10^-8 मीटर आपका होंगे। नैनोमीटर जो होता है ना वो दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। 1 नैनोमीटर जो है वो 10^-9 मीटर के बराबर होता है। अब 10 नैनोमीटर जो होता है वो आपका 10×10^-9 मीटर के बराबर, और यही वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 10^-9+1 करके जोड़ेंगे तो 10^-8 मीटर आपका यहाँ पर निकल करके फाइनल वैल्यू आएगी, जो कि आपके प्रश्न में पूछी गई थी 10 की। आपको याद रखना है 1 नैनोमीटर वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो 10 का पूछा गया, तो उसी से ही वैल्यू -9 से -8 हो गई है, पर पूछा जाता है तो 1 नैनोमीटर पूछा जाता है जो कि 10^-9 मीटर के बराबर होता है। अगला कह रहा है एमकेएस पद्धति में बल का क्या मात्रक होता है, जूल, वॉट, न्यूटन या मीटर प्रति सेकंड। आंसर आपका यहाँ पर न्यूटन जो है वो सही हो जाएगा। एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है।
अब कुछ राशियां हैं, उनके मात्रक हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला अगर आप देखेंगे कार्य, कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड आपका होता है। तो बेसिक है चारों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि अदिश है? सामर्थ्य, वेग, बल, संवेग। ये अदिश अदिश राशियां, ये सब टॉपिक वाइज में ऑलरेडी करा चुके हैं। नहीं, जिसने भी देखा हो अलग से प्लेलिस्ट में जाइएगा, टॉपिक वाइज में जो फिजिक्स वाला पोर्शन था उसको देख लीजिएगा। तो वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां, जैसे सामर्थ्य, चाल, वेग, दूरी, आयतन, समय आदि सब सदिश राशियां, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, जैसे वेग, बल, संवेग, ये सब आपका। अगला है, एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तरंग दैर्ध्य की है, ऊर्जा की है, आवृत्ति की है, वेग की है। तो आंसर यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की सही हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है, आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हर्ट्स होती है, और वेग की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति को किससे नापा जाता है? हर्ट्स में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में, कौन सा सही होगा? तो आवृत्ति का मात्रक पहला ऑप्शन हर्ट्स जो देख रहे हैं इसमें जो है ये मापा जाता है। तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्स होती है। कोई आवृत्ति घटना, बार बार दोहराई जाने वाली घटना, इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे कहते हैं उस घटना की आवृत्ति। और आवृत्ति को किसी तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। अगला कह रहे हैं, आर्द्रता जो है वो किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। काफी पूछा भी जाता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों। तो वायुमंडल की आर्द्रता अगर मापने के यंत्र की बात करेंगे तो उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी। और हाइड्रोमीटर जो होता है, अथवा द्रव घनत्व मापी या उद्वलन घनत्व मापी, इसमें क्या होता है, बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं, जिसको आपेक्षिक घनत्व भी कह सकते हैं। तो एक में आपका आर्द्रता मापने के यंत्र को लेकर के बात हो रही है और एक में अलग से बदल गया है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है उसकी अगर बात करें तो जैसे पायरोमीटर, तो इससे बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर मापना है तो वो इसमें आता है, जैसे कि प्रकाशिक उत्ताप मापी है, विकिरण उत्ताप मापी है, प्रतिरोध उत्ताप मापी है, ताप विद्युत उत्ताप मापी है, ये सभी। और जो लैक्टोमीटर होता है वो यूज किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि दाब की इकाई जो है इनमें से क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। आंसर यहाँ पर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है वो सही हो जाएगा। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दाब का एसआई मात्रक है और इसे पास्कल भी जो है वो कहा जाता है। न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक है, न्यूटन मीटर या जूल ऊर्जा का मात्रक है, ये सब ऊपर भी आपने देखे थे, याद रखिएगा। और न्यूटन मीटर आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है और न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, आपसे पूछा गया। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आंसर यहाँ पर आपका आयतन सही होगा। सदिश राशि वे दिशा में, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग आदि ये सब सदिश राशियां हैं। और चाल, यात्रा, मात्रा, तापमान आदि ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। अगला है आपका, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। एमएम में सारी वैल्यू दे रखी है। तो एक माइक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। एक माइक्रोन मीटर बराबर 10^-6 मीटर, और एक मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, और एक माइक्रोन मीटर बराबर 10^-6 × 1000 मिलीमीटर, या एक माइक्रोन मीटर बराबर 10^-6 × 10^3 मिलीमीटर बराबर 10^-3 मिलीमीटर और 1/1000 मिलीमीटर, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके होता है? 10^-6, 10^-9, 10^-12 या 10^-15। आंसर हो जाएगा 10^-12 ग्राम के। एक पिकोग्राम जो है वो 10^-12 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि एक पीको सेकंड 10^-12 सेकंड, या एक पिकोमीटर 10^-12 मीटर के बराबर होता है। और ग्राम सेकंड मीटर ये मूल मात्रक है, अतः इनके मान समान होंगे। 10^-6 ग्राम को माइक्रोग्राम और 10^-9 ग्राम को नैनोग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर क्या नापता है? अच्छा, इसके बाद हमारे 2023 के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन तो बीपीएससी प्री का होगा और एक टीचर से रिलेटेड वाले में भी आएगा। तो क्या मापा जाता है? ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय गति, ध्वनि की तीव्रता। तो ऑडियोमीटर में आपका ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है।
तीव्रता ध्वनि का वो लक्षण जिसमें ध्वनि धीमी मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती, इसको हम डेसिबल में जो है वो मापते हैं। डेसिबल से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई में, आपको याद होगा, जिसमें आंसर इनमें से कोई नहीं था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती, इस प्रकार से क्वेश्चन था जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं था क्योंकि ऑप्शन में डेसिबल नहीं दिया गया था। अब बात करते हैं इसके 2023 के भी दो ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भौतिक राशियां मात्रक मापन चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन, धारा घनत्व होता है, एक अदिश राशि एक सदिश राशि विमा विहीन या कौन सा इनमें से होगा? आंसर आपका हो जाएगा एक सदिश राशि। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है, ये एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब एक क्वेश्चन टीचिंग वाले पेपर में भी पीआरटी में देखेंगे तो पूछा गया था, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 यानी फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में आया था, चुंबकीय क्षेत्र है, अदिश राशि सदिश राशि आयाम रहित, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है और एग्जाम्पल इसके विस्थापन त्वरण सदिश राशियों के, और चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो टेस्ला है और एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल से जो भी नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडीटर सर्च करके जुड़ सकते हैं ताकि पीडीएफ वहीं पर आपको मिलती रहे और बाकी अपडेट भी। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि एक बस सीधे आपका रास्ते पर चल रही है और अचानक क्या होता है, दाई ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो जो बस में बैठे यात्री होंगे ना वो दाई ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाई ओर झुकेंगे, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी प्री में आया था 12 फरवरी 2023 को, ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के कंडीशन बेड पूछने के चांसेस रहती है ना, इसलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं एबीसीडी ई में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। अच्छा, ऑप्शन इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं भी है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आंसर इसका अगले वाले जो प्रश्न कराएंगे उसमें बताएंगे। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।